सुमन शशिकांत किचन में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मुंबई स्टाइल फ्रेंकी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंकी बनाना। इसके लिए हमें लगेगा ये आटा है और अब मैं इसमें डालूंगी जितना आटा है उतना ही इस पे मैदा डाल दीजिए। और अब इन दोनों में स्वाद अनुसार हमें डालना पड़ेगा नमक। तो मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और अब इन्हें अच्छी तरह से पानी डाल के गूंद लेते हैं हम। ये देखिए फटाफट गूंद लेते हैं। ऐसे गूंद के आप इसे रख दीजिए। ये गूंद गया है हमारा, अब इसे हम रख देते हैं अलग से। और इसके बाद हम तैयारी करते हैं उसके अंदर की फिलिंग की, जिसके लिए हमें लगेगा बॉइल्ड आलू, अनियंस, धनिया, नमक, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च। ये देखिए तेल मैंने पहले से गरम करके रखा है, अब मैं तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी, थोड़ी सी राई डाल दूंगी। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाए इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे चॉप्ड अनियन और साथ में हमारा हरा धनिया। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें पकाना है। थोड़ा सा चला लेते हैं, सभी चीज़ें मिल जाएं तेल में आपस में। ये देखिए इस तरह से चला लीजिए। और ये अब हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो इसे मैं ढक देती हूँ, ये मैंने इसे ढक दिया है। अब 5 मिनट बाद मैं देखती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से प्याज हरी मिर्च वगैरह पक गई है। अब इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालिए, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और इन सभी चीज़ों को, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया मैंने और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल गई हैं और अब हम इसमें डालेंगे हमारे बॉइल्ड आलू जिन्हें मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से। अब ये सारे मसालों को अच्छी तरह से मिलाना है, तेल पूरे आलू में आ जाए, नमक मिर्च से आलू बहुत अच्छी तरह से भीग जाए इस तरह से। और अब इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये देखिए 10 मिनट बाद हम देखते हैं। ये देखिए आलू बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च ऑप्शनल है, जितना तीखा आप खाते हैं उतना ही डालिए। अब मैं लाल मिर्च भी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब हम बनाते हैं रोटियाँ। ये देखिए जो हमने मैदा और आटे का डो बनाया था ये कितना बढ़िया हो गया है। अब इसकी हम रोटी बना के सेक लेंगे इस तरह से। आप इसकी रोटी बना लीजिए फटाफट। और इसे सेक लिया है मैंने, अब देखिए तवे में थोड़ा सा तेल डालना है और जो रोटी हमने सेकी थी उस रोटी को यहाँ पे, वो हमने आधी कच्ची सेकी थी, ये देखिए इस रोटी को हमें यहाँ पे इस तरह से अब पकाएंगे हम तेल के साथ। थोड़ा सा तेल इधर भी लगाएंगे, आप चाहें तो एक साइड ही तेल लगा सकते हैं, मैंने दोनों साइड लगाया है। अब इसे अच्छी तरह से पक जाने देते हैं, रोटी को सिक जाने देते हैं। हमारी रोटी जब पूरी सिक जाएगी फिर अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। देखिए रोटी मेरी कितनी बढ़िया सिक गई है, गोल्डन ब्राउन सी हो गई है। मार्केट की फ्रेंकी में रोटियां कच्ची होती है, मैंने थोड़ी पकी करी है। अब इसमें हमने जो फिलिंग बनाई थी आलू की वो डालेंगे
कॉर्नर पे ही डालना है रोटी के, वरना ये गोल गोल नहीं हो पाएगी हमसे। अब हमने मायनीज लिया है, मायनीज डाल देते हैं। बच्चों को मायनीज तो बहुत पसंद आता है, बच्चों के हिसाब से अगर आप बना रहे हो तो थोड़ा ज्यादा मायनीज डालिए। और ये है पनीर, ये मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और ना चाहे तो ना डालें, मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। अब इसे इस तरह से रोल कर लेते हैं, और रोल करके ऐसे रैप कर देंगे, और ये आपका बन जाएगा मुंबई स्टाइल फ्रेंकी। ये खाइए, सभी को खिलाइए। सुमन शशिकांत किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।